ऊपर जाने का भाई पानी की वजह से अपने को, अरे अरे वो देखो वो देखो, तो यार हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल राइट विद डेनी। तो आज तुम्हारा भाई 4-5 दिनों के बाद में भाई ब्लॉगिंग कर रहा है, क्योंकि भाई बारिश की वजह से टाइम वगैरह ही नहीं मिल पा रहा था बिल्कुल भी, और तुम्हारा भाई के एग्ज़ाम भी चल रहा है तो भाई फ्री नहीं हो पा रहा था मैं। बट अभी अपने एग्ज़ाम में अच्छा खासा गेप है, 5 तारीख को है अभी अपना एग्ज़ाम, फिर उसके बाद 17 हुए तो अपन लोग आराम से भाई ब्लॉगिंग कर सकते हैं अभी। और भाई जो अभी मतलब लास्ट में जो मैंने अभी पेपर दिए हैं उनमें क्या भाई इतने गेप वगैरह नहीं थे, तो इस चक्कर में जा नहीं पा रहा था। और भाई शाम को टाइम में जाने का सोचता था, तो भाई बारिश 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 की वजह से 3 से 4 दिन हो गए अपने को ब्लॉग नहीं डाल पाँ। बट अब कोई दिक्कत वाली बात नहीं, अपने को अब जब टाइम मिलेगा अपन गोबर उठा के निकल जाएंगे ब्लॉग बनाने को। बैठना है, बैठो। हाँ तुम भी बैठे हो, चले बैठा हुआ अच्छे से, उचका दूँ उचका दूँ, ठीक है। अरे भाई केला भाई राइड दे दो, तो भाई मुझे लगा चलाने को मांग रहा, मैंने कहा यार चलाएगा कैसे, उसने मैंने उससे पूछा बैठना है क्या। तो भाई अरे भाई चलो चलो, हाँ ना हाँ कर रहा हूँ, ठीक है जाऊँ, बाय बाय चल। अरे भाई खतरनाक ही है भाई, इन लोगों लोंडो का भाई अलग लेवल का प्यार है तुम्हारे भाई के लिए। ये भाई जिसको मैंने अभी बाइक पे बैठाया था इन दोनों को, ये मेरे घर के भाई 3 से 4 बार चक्कर काटे है कि मैं कब तक आऊँगा कब तक आऊँगा, क्योंकि मैं थोड़ा लेट होगा इस चक्कर में। बट कोई ना, अभी भाई चलते हैं अपन, आज अपने को फ्यूल वगैरह भी डलवाना है, अभी क्या पता भाई कितना, क्योंकि बहुत दिन से बिलिंग हो रहा है और मैं जा नहीं पा रहा हूँ, तो इस चक्कर में भाई डलवा भी नहीं पा रहा था फ्यूल। तो अभी चलते पहले फ्यूल वगैरह डलवाते हैं, उसके बाद अपन बढ़ते हैं भाई फिर आगे। आज का मौसम बढ़िया हो रहा भाई, बारिश नहीं हो रही देख सकते हो, बट हाँ बारिश का मौसम ऐसा हो रहा है कि कभी भी बारिश आ सकती है, तो इसलिए अपने को थोड़ा जल्दी चढ़ना पड़ेगा अभी। अब थोड़ा राइड करने भी मज़ा आएगा, क्योंकि भाई ये खानदान है मेरे को, अपने परिंदा ही वापस आ गया, इसकी स्कूटी सही हो गई है। तो पहले अपन अकेले अकेले आते थे तो भाई अकेले भगाने में मतलब कुछ भी करने में मज़ा नहीं आता था। ऐसे चला गया तो भाई फिर इसकी मेरे को बॉडी बदलवानी पड़ जाएगी ऐसा लग रहा मुझे। ये भैया को भी करंट आ रहा है, ये देखो बज गया क्या डीओ वर्सेस आर्मन भाई होगी क्या भाई, ये ब्लू कलर की आर्मन भाई और अपना प्रिंस अलग नहीं मान रहा भाई, वो तो इंसेंट भाई कट मार मुर के निकल जाता। अगर भाई नहीं पहुंच पाए तो बीच में फंस कर आएंगे, कोई मतलब नहीं है। मेरा प्लान था भाई आज कहीं और जाने का, बट पानी की वजह से अपने को, अरे अरे वो देखो अरे यार सीट में कहता हूँ यार, देखो गलती साइड दोनों की यार, क्या करूँ मैं क्या बताऊँ, जाओ उठवा भाई क्रेस हो गया भाई फालतू का। क्या हो गया, अरे पूछ ले लगी तो नहीं उनको, पूछने गया भाई वो अट्टे यार साला।
मैं कहता हूँ भाई आराम चला, आराम से चला, मैं क्या बताऊँ। क्या नाम था भाई का? फराज भाई। हाँ बराबर हुआ। नहीं नहीं हाँ रिकॉर्ड हो रहा है ना भैया, चालू है। हाँ बढ़िया भैया, हाँ भैया थैंक यू भाई। एक्सीडेंट हुआ है भाई, सुन के आवाज बोल रहा है भाई, गाली दे रही है भयंकर। अब भाई देखो मैं तो कुछ बोल नहीं सकता यार, ये भी इधर से स्पीड में था, इसको भी देखना चाहिए था। और भाई जो दीदी थी वो भी उस साइड से भाई स्पीड में आ रही थी, और सामने भाई कार वगैरह क्या थी, तो भाई उस चक्कर में देखो ना इसको देखा ना उसको देखा, गलती भाई दोनों साइड से। तो इस चक्कर में भाई मैं भी कुछ बोल नहीं सकता यार इसमें। तो भाई मौसम को देखते हुए अपने को भाई ये तो पता, अब अपन ब्लॉग में भाई आगे नहीं बढ़ पाएंगे क्योंकि आगे का नहीं बन पाएगा भाई, बारिश हो रही है बहुत तेज। तो इस ब्लॉग को भाई अपन यही एंड करते हैं। अगर आप लोगों को भाई एक्सीडेंट पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना भाई, और भाई वीडियो को लाइक कर देना। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट एक्सीडेंट में। राइट, सी यू।